डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में और साथ ही जान रहे हैं यूजफुल प्लांट्स के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे। वी गेट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स। बच्चों, हम बहुत सी यूजफुल चीज़ों को डेली रूटीन में यूज़ करने वाली चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। क्या क्या है? जैसे गम एंड रबर। ये गम और रबर हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? ये भी हमें प्लांट से मिलता है। ऑयल, ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल सीड से, यानी बीज होते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ के बीज होते हैं? ऑयल सीड्स ऑफ कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे कोकोनट के, मस्टर्ड के, ग्राउंड नट के, सोयाबीन के। ठीक है, आप ऑब्ज़र्व करिए अपने घर में यूज़ होने वाले सभी तेलों को, सभी ऑयल्स को आप चेक करिए और पूछिए अपनी मम्मा से, मम्मा ये तेल किसका बना है। चाहे वो हमारे बालों में लगाने वाला तेल हो, चाहे वो हमारी बॉडी में मसाज करने वाला हो, चाहे वो खाने वाला तेल हो, सभी तेल हमें प्लांट से किसी न किसी रूप में ही मिलते हैं। उसके बाद बच्चों, परफ्यूम, वो परफ्यूम जिससे हम खुशबू लेते हैं, फ्लावर्स ऑफ रोज़, जैस्मीन, मोगरा, है ना, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनसे हमारा परफ्यूम बनता है। फाइबर्स, कॉटन, जूट, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कॉटन, जूट हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। बच्चों, मेडिसन्स, ये जो भी मेडिसन्स हैं, आप देखिए कितनी मेडिसन्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर, गार्लिक आर यूज्ड टू मेक मेडिसन्स। इनके अलावा बच्चों, मिंट भी है, एलोवेरा भी है, और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं। आप घर में पता करिए कि जो जो चीज़ें हमारी एज मेडिसन्स यूज़ होती हैं, और आयुर्वेदा में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। कितनी तरह की पत्तियाँ, कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ, कितनी तरह के काढ़े, जो कि सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। तो हमें इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों, अगर हम देखें, है ना, खाने पीने की मिलती हैं, हमारी दवाइयाँ हैं, हमें फर्नीचर, देखिए आप सारा का सारा जितना भी फर्नीचर है सब हमें कहाँ से मिलता है? लकड़ी। और लकड़ी कहाँ से आती है? प्लांट से। खाने पीने की चीज़ें हैं सब कहाँ से आती हैं? प्लांट से। बहुत सी चीज़ें हैं, हम आगे इसके बारे में और आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा आज का काम इतना ही। इस काम को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और साथ साथ आप इस काम को याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके बच्चों।